तो गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो बात कुछ ऐसी है uh, मुझे uh, बाइक लिए हुए काफी टाइम हो गया था एंड आई वॉज प्लान टू बाई हेलमेट फॉर माई रॉयल इनफील्ड हिमालयन तो मैंने रॉयल uh, इनफील्ड का परचेस uh, किया फ्रॉम फ्लिपकार्ट मैंने शॉप uh, विजिट किया था बट मुझे लगा कि ठीक है एक बार ऑनलाइन भी ट्राई कर लेते शॉप पे भी नो कि हम लोग देख के लेके कर आराम से देख कर लेते हैं तो uh, हुआ यूंकि मैंने ऑर्डर किया और वो हेलमेट नेक्स्ट डे डिलीवरी हुआ बट द कंडीशन वॉज लाइक कि आई डोंट नो मीन्स किसकी गलती है यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले की या फिर दैट सेलर हु यूज टू सेल दैस प्रोडक्ट मुझे भी नहीं पता बट जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ रियली डिसअपॉइंट विद द फ्लिपकार्ट वाला सर्विस उसके बाद फिर मैंने उसको रिटर्न रिक्वेस्ट दैट वाज अ ओपन बॉक्स डिलीवरी बट किसी ने ओपन करके नहीं देखा था बिकॉज मैं घर पे नहीं था एंड डिलीवरी गाय आल्सो नॉट टुक दैट अ हेड तो उन्होंने ऐसे रख के चला गया और मैं आया लेकर आया फिर मैं जब चेक किया इट वाज वेरी स्टफ लाइक सारे पार्ट्स अलग थे आई डोंट नो हाउ टू असेंबल दैट मैंने यूट्यूब वीडियो चैनल किए मतलब बहुत सारे एक्सप्लोर किया कि कहीं से कुछ पता चल जाए जिससे कि मैं इसको देख सकूँ को कैसे इसको असेंबल करना है कैसे क्या करना है बट इट्स नॉट हैपन इट्स नॉट वर्क देन उसके बाद मैंने रिटर्न आने का कोशिश कर रहा था बट हो नहीं रहा था जस्ट बिकॉज इट्स अ ओपन बॉक्स डिलीवरी फिर भी जैसे तैसे करके मैंने कुछ कुछ करके इसको करवाया और रिटर्न हुआ और आई थिंक रिफंड मुझे सेवन टू एट वर्किंग डेज में मिल जाएगा बट द केस इज़ मैं आपको दिखाता हूँ वीडियोस की स्टार्टिंग से इन तक कि किस तरीके का बॉक्सिंग था किस तरीके का पैकेज था इनका और क्या इसमें अलग था और मुझे पता नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम आई गॉट डिसअपॉइंटेड विद द फ्लिपकार्ट पैकेजिंग मतलब अंदर से काफी सारा डैमेज था पहले से वो सो इट्स नॉट की आई एम टेकिंग इट की मतलब मैं बोल रहा हूँ फ्लिपकार्ट से मत परचेज करो ऐसा नहीं है बट जस्ट शेयरिंग यू माई फीलिंग्स माई एक्सपीरियंस वॉट आई हैड टू बाई अ रॉयल इनफील्ड हिमालयन का हेलमेट ओके सो अभी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मैंने बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग किया फिर उसमें क्या निकला कैसे तो ये बॉक्स है आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट की तरफ से बाहर से फ़्लिपकार्ट का बॉक्स था तो मुझे भी लगा हाँ चलो सही है तो मैंने बस ऐसे ही चेक किया था कि हाँ अंदर है या नहीं है बस इतना चेक करके हमने लौटा दिया था ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं हुआ था आप देख लो अंदर का पैकेजिंग अंदर में रॉयल इनफ़ील्ड का टैग है अंदर का जो बॉक्स है वो रॉयल इनफील्ड का है बाहर का जो बॉक्स था वो था फ़्लिपकार्ट का और रॉयल इनफील्ड के जो स्टिक स्टेप है उसमें भी देख लो आप फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है तो मुझे पता लगा था ये यूज या फिर डैमेज वाला ही होगा तभी इस तरीके का पैकेजिंग आया था तो इसको मैंने निकाला जैसे ही बाहर तो काफ़ी मतलब पैकेज भी देख लो आप चारों तरफ से फटा पड़ा है जैसा तैसा है तो इसको ओपन करते हैं अभी एक मिनट नाइफ लिख कर आना होगा क्योंकि चारों तरफ से ऐसे बस टेप मारा हुआ है पैकेजिंग तो इतना ख़राब है मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में आपको देख लो आप चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ और अजीब सा था कि पैकेज में कहीं भी आपको इन नहीं था कुछ भी नहीं था बस ऐसे लग रहा था सेलो टेप से ज़बरदस्ती किसी ने लगा दिया है और कुछ भी नहीं था इसमें एक मिनट में टेप लेकर आता हूँ कि आ, मतलब चाकू लेकर आता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको और भी डैमेज हो किसी तरीके का और ये देखो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ तो सेलो टेप ही है और कहीं कुछ भी नहीं था मतलब पैकेजिंग देखो अंदर हेलमेट अच्छा दिख रहा था आप देखोगे हेलमेट का कंडीशन काफ़ी सही लगा रहा तो था मुझे नहीं लगा कि यूजड या फिर डैमेज वाला होगा बट इसका पैकेज जो था अंदर का वो इस टाइप का था तो ये रहा हेलमेट देख लो रॉयल इनफ़ील्ड का ब्रांड है स्क्रैच रेसिस्टेंट वाइजर तो ये उठाते के साथ ये अलग हो गया आई वॉज इसकेट कि क्या हो गया यार ये अलग क्यों हो गया मतलब हेलमेट तो असम्बल्ड होता है बॉक्स को साइड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो ये देखो ये रहा रॉयल इनफील्ड का हेलमेट जो मैंने ऑर्डर किया था ये कलर मैच करता है मेरे बाइक से तो इसलिए मैंने इस सेम कलर का ही ऑर्डर किया था स्लीप ब्लैक और इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन मिलते हैं आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न दिस क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड मे बी कुछ रीज़न होगा तो ये देखो ये अलग है ये दिस इज़ द डिसअपॉइंटिंग वाला टाइम जहाँ पे आई सॉक्ट कि ये क्या है और ये देखो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से आया है ब्रांड है देखो लोग यहाँ पे टैग आपको दिख रहा होगा रॉयल इनफील्ड का फोर थाउजेंड का थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड है और सेम एम आर पी पे मिलता है इसमें कोई डिस्काउंट आपको ना फ्लिपकार्ट में मिलेगा ना कहीं भी आप देख लो मतलब ये सारी चीज़ें बैच नंबर सब कुछ सही है मतलब आई वॉज लाइक कि ये क्या है और ये पार्ट्स अलग है मतलब ये एक क्वेश्चन था इसमें मैं इसको निकाल कर आपको दिखाता हूँ इसको क्वेश्चन को अच्छे से ये देखो ये क्वेश्चन है और इसमें और कुछ थिकनेस लिखा हुआ ये 10 mm है ये टेन एम है ये फिफ्टीन एम है और मतलब ट्वेंटी एम एम एक है तीन तीन थी मतलब तीनों का अलग अलग था मतलब दैट मे बी यूज फॉर फोमिंग एंड ऑल इनसाइड अंदर से करने के लिए बट इसको जोड़ने का मैंने बहुत कोशिश किया मैंने बहुत सारा ट्राई किया कि मैं इसको जोड़ लूँ कहीं से हो सकता है मतलब अलग आता होगा आई नीड टू गेट इट असेंबल्ड तो ट्राई तो मैंने बहुत किया जितना हो सकता था ये कुछ पार्ट है अलग से आया था तो मुझे लगा अंदर फिट करके तब लगाना होगा देन आई ट्राइड अलाउट बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मैं स्ट्रगल ही करते रह गया इसको लगाने के लिए एंड फाइनली मुझे इसको रिटर्न करना ही बेटर लगा तो बहुत सारे मशक्कत करने के बाद भी इसका कुछ भी नहीं हो पाया मतलब आई डोंट नो क्या था डिफ़ेक्टिव पीस था या मुझे नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इसको हम खुद से असम्बल कर सकते हैं तो और इफ़ नॉट दैन हुज़ मिस्टेक इस दिस मतलब यार आरी वाले का है या फ्लिपकार्ट वालों ने ऐसा कुछ गलती किया तो मुझसे नहीं हो पाया मैं फ़ाइनली थक हार गया मैंने बहुत कोशिश किया इसको लगाने का हद से ज़्यादा कोशिश किया और मैं पूरा कोशिश किया कि इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना आए नहीं तो फिर रिफंड रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है तो आई ट्राइड माई बेस्ट फाइ फाइनली कुछ नहीं हुआ तो मैं सब कुछ निकाला इसका सारे पैट्स वगैरह सब वापस से पैक किया हेलमेट को भी जैसे आया था वैसा ही मैंने उसको भी अंदर डाला आराम से और सबको पैक करके मैं वापस वैसे ही रख दिया ताकि अब ये रिफंड रिफंड जो भी है अपना होता रहेगा तो बस यही सजेस्ट करूँगा आप लोग को भी कि ऑनलाइन लेने से पहले दस बार सोच ले तभी ले नहीं तो ऐसा ही हादसा होता रहेगा तो अभी फ़्लिपकार्ट का पैक पार्सल जाएगा रिटर्न आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का बॉक्स था उसका अंदर का बॉक्स ऑलरेडी डैमेज था आई थिंक पीछे को रहा है। में गो तो काम चल रहा है मोस्ट बाहर जिसके कारण नॉइज होता तो एक्चुअली uh, uh, आपने बॉक्स देख लिया होगा किस तरीके का ये पहले से डैमेज ही आया था मतलब अंदर वाला बॉक्स पहले से डैमेज था और फिर बाहर वाले भी वही हाल थे मतलब मैंने इसको रिटर्न कर दिया एंड दिस इज द एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो दिस ब्लॉग दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ प्लान करते हैं कुछ वन डे ट्रिप और कुछ टू डे ट्रिप जैसा भी होता है वेल कीप योर बिल्टिंग तब तकली बाय बाय टेक केयर सुन